हाय दोस्तों, मैं हूं सिराज और आप लोग स्वागत है मेरे चैनल सिराज सॉल्यूशन में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन वीक टू का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 3। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 3, गिवेन टू इंटीजर नंबर एज इनपुट प्रिंट द लार्ज नंबर। क्या बोला जा रहा है, दो इंटीजर नंबर एज इनपुट लिया जाएगा, देन उसका जो लार्जर है उसको प्रिंट करना है। इनपुट फॉर्मेट क्या है, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन टू नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। पहला लाइन क्या कंटेन करेगा, दो इनपुट नंबर जो सेपरेटेड रहेगा स्पेस से। आउटपुट फॉर्मेट क्या है, जो लार्ज नंबर है उसको प्रिंट करेगा। एग्जांपल, इनपुट अगर 2 space 3 रहा तो उसमें से लार्जर कौन है 3, तो आउटपुट आया 3। तो अब हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x, y दो वेरिएबल इक्वल टू मैप, मैप फंक्शन का यूज करके हम लोग स्पेस सेपरेटेड करेंगे। तो मैप पैंथिस ओपन इंट इंटीजर टाइप का डेटा कॉमा इनपुट इनपुट फंक्शन पैंथिस ओपन क्लोज डॉट स्प्लिट स्पेस सेपरेटेड देन पैंथिस ओपन क्लोज देन अगेन क्लोज देन एंटर। एंटर करने के बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, दो नंबर में से कौन ग्रेटर है कौन लेसर है। तो ग्रेटर नंबर को हम लोग को प्रिंट करवाना है, इसके लिए हम लोग एक इफ कंडीशन देंगे। इफ पैंथिस ओपन एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स अगर वाई से बड़ा हुआ, कोलोन देके इंडेंटेशन देन इंटर। इंटर करने के बाद प्रिंट स्टेटमेंट, एक्स इज ग्रेटर तो एक्स कॉमा ई एन डी इक्वल टू डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज देन पैंथिस क्लोज देन इंटर। इंटर देने के बाद एकदम पहले चल जाएंगे, पहले चल जाने के बाद एल्स केस, अगर एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं हुआ तो एल्स केस क्या होगा, कोलोन देके इंडेंटेशन वाई इज ग्रेटर तो वाई देन कॉमा ई एन डी इक्वल टू डबल क्वेश्चन ओपन क्लोज देन पैंथिस क्लोज। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, पहले पहला लाइन पे हम लोग स्पेस सेपरेटेड दो इनपुट लिए, देन इफ कंडीशन देके चेक किए कि एक्स ग्रेटर वाई, एक्स वाई से बड़ा है, अगर है तो क्या करेगा, एक्स प्रिंट करेगा, मतलब आउटपुट जो है वो प्रिंट करेगा। उसका बाद क्या दिए, एंड ऑफ लाइन, अगर ये नहीं होगा तो एल्स केस में क्या दिए, वाई इज ग्रेटर तो वाई प्रिंट करेगा। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक करके चेक करेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक किए, देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस है, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, वो तीनों पास कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करके चेक करेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं। तो देखिए प्राइवेट जो टेस्ट केसेस है तीनों, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, वो तीनों भी पास कर चुका है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।